लोहाना के गांव कनहड़ी में एक नाबालिग ने अपने ताऊ की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में पुलिस ने लड़के के पिता को भी हिरासत में ले लिया। बता दें, जिस बंदूक से लड़के ने अपने ताऊ की हत्या की वो अवैध हथियार था। पुलिस ने अवैध हथियार रखने के चलते लड़के के पिता को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब इस हत्याकांड की एक CCTV वीडियो भी सामने आई है, जिसमें लड़का वारदात को अंजाम देता साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लड़के ने अपने ताऊ पर पीछे से गोलियां चलाई और वो वहीं गिर गया। इस वीडियो में एक शख्स लड़के को पीटता भी नजर आया, जिसने आते ही लड़के को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। लड़के की उम्र 16 वर्ष है। पुलिस आज उसे जुनैल कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस के मुताबिक साहिल ने घरेलू कलह के चलते इस वारदात को अंजाम दिया और तैश में आकर अपने ही ताऊ पर गोली चला दी। तो वैसे घरेलू बताया जा रहा है, इनके घरेलू मनमुटाव के बीच में बच्चे को कस्टडी में लेके जुनैल कोर्ट में पेश किया जा रहा है और जो आगे इन्वेस्टिगेशन है, फादर की और बच्चे की दोनों की, बच्चे को संरक्षण में ले लिया, फादर की गिरफ्तार। हिंद एक्सप्रेस के लिए टोहाना से नवल सिंह की रिपोर्ट।